चीनी सेना के भारतीय सीमा में प्रवेश करने के नापाक मंसूबे उसके देश पर अब बहुत भारी पड़ रहे हैं। चीन को अब भारत सरकार आर्थिक मोर्चे पर घेर रही है। भारत सरकार ने चीन से बिजली उपकरण आयात नहीं करने का फैसला लिया है। चीन ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से भी अब भारत कोई बिजली उपकरण नहीं खरीदेगा। बिजली मंत्री आरके सिंह ने शुक्रवार को यह घोषणा की है। एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरके सिंह ने कहा कि चीन और पाकिस्तान से उपकरणों के आयात को विशेष रूप से निरीक्षण के आधार पर अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि राज्य के डिस्कॉम्स को चीनी कंपनियों को उपकरण की आपूर्ति के आदेश नहीं देने चाहिए। शुक्रवार को सुबह राज्यों के ऊर्जा मंत्रियों की कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा, हम अपने देश में सभी चीज़ों का उत्पादन करते हैं। भारत 71,000 करोड़ रुपए के बिजली उपकरण आयात करता है, जिसमें 21,000 करोड़ के उपकरण चीन से आते हैं। उन्होंने कहा, हम चीन और पाकिस्तान से आयात की अनुमति नहीं देंगे। हम प्रभावित हैं, उन उपकरणों में मैलवेयर आदि हो सकता है, जिसे वे हमारे पावर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए दूर से ही सक्रिय कर सकते हैं। इससे पहले सोमवार शाम भारत सरकार ने 59 चीनी ऐप्स को बैन करने की घोषणा की थी। भारत सरकार ने इन सभी ऐप्स को भारत की एकता, रक्षा और राज्यों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बैन करने का ऑर्डर जारी किया था। बैन हुए ऐप्स में टिकटॉक, शॉर्ट वीडियो मेकिंग ऐप के अलावा डीयू रिकॉर्डर, लाइकी, हेलो, वीगो वीडियो सहित कई चाइनीज लोकप्रिय ऐप्स शामिल हैं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।